हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 देखेंगे, जो कि आप क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए 29 जुलाई की है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों के आपके इस वीडियो की लिंक मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आपका वर्व। वर्व है क्या? टू वी मीन्स जिसको हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्शन। इज, एम, आर, दीज आर द थ्री प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब में हमको क्या यूज करना है? टू बी का फॉर्म आज हमें देखना है। और टू बी किस में यूज होता है? प्रेजेंट फॉर्म में होता है, यानी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में होता है। और इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर। कहाँ पर किसका यूज किया जाता है? इज का यूज कहाँ पर होता है, एम का कहाँ होता है, और आर का यूज कहाँ पर होता है? ईच, एम यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, ईच का और एम का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ होता है। वहीं पर आर यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, जबकि आर का जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, किसी का भी नेम हो, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इच यूज करते हैं। एंड आई के साथ ऑलवेज हम एम यूज करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, किसी का भी नेम गिवेन होगा तो वहाँ पर इच यूज करेंगे, आई के साथ ऑलवेज एम यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म के लोग होंगे, प्रोनाउंस या प्रोनाउंस होंगे, लाइक यू, वी, दे, चिल्ड्रंस, पीपल एक्सेट्रा, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस allowed twice and fill in the blanks. Anoop is swimming. Anoop is swimming. He is 7 years old. Am, I am not weak. I am not weak. I am strong. मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? Strong हूँ. Are, ships are sailing in the sea. They are moving toward beach. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इच का यूज करेंगे हम, यहाँ पर एम का, एंड यहाँ पर आर का यूज करेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड ट्वाइस एंड सर्कल द टू बी वर्ब। आई एम हेल्दी। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग। तो यहाँ पर बोला है टू बी वर्ब को सर्कल करना है, तो एम को आपको सर्कल कर देना है। दिव्या इज स्ट्रांग, सी इज टैलेंटेड, इट इज एक्टिव, इट इज फास्ट, We are brave, you are strong and wise, they are beautiful and intelligent. So, जो यहाँ पर am, is, are आया है, ये सभी क्या है? टू वी वर्ब हैं, और इन्हें आपको क्या करना है? सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इज, एम, आर आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप? आई एम अ गर्ल, ही इज अ बॉय, वी आर चिल्ड्रन, सी इज हैप्पी, दे आर इन द पार्क, इट इज कोल्ड टुडे, यू आर राइट। ठीक है, तो आपको फिल करना है, आई एम अ गर्ल, ही इज अ बॉय, वी आर चिल्ड्रन, सी इज हैप्पी, दे आर इन द पार्क, दिस इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टूडे, यू आर राइट। ओके, तो इस तरीके से इज, एम, आर आपको फिल करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, हेलो, आई एम सूरज। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, आई एम सूरज। आई स्टडी इन क्लास 7th। आई प्ले विद माई ब्रदर इन द इवनिंग। ही इज एल्डर टू मी। आई एम 12th एंड ही इज 13 years old। We go to the same school. We have a cat. It is white in color. We are always happy together. Okay? So, I am Suraj. तो क्या लिखोगे यहाँ पर? Am लिखोगे। I study in class 7. किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। I play with my brothers in the evening. अपने भाई के साथ शाम को खेलते हैं। He is elder to me. तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? Is करेंगे। क्यों? क्योंकि he है यहाँ पर, जो कि सिंगुलर है। I am 12, I के साथ am लगता है तो am यूज करेंगे, एंड he के साथ is यूज होता है, is यूज करेंगे। He is 13 years old. We go to the same school. We have a cat.
इट इज वाइट इन कलर, वी आर ऑलवेज हैप्पी टूगेदर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें अगर कोई डाउट है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।